मीरा कटारिया और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दी वाओ फैक्टर। ओके फ्रेंड, आज का जो ये वीडियो है ये वीडियो बेस्ड है रिव्यू पे। जी हाँ, आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ऑर्गेनाइज़र पर। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम जानते हैं हमारे अलमीरा जो होती हैं, ठीक है, हम उस पर कपड़े भी रखते हैं, अपने इनफैक्ट अपने बैग्स भी रखते हैं, अपने फुटवेयर्स भी रखते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जिनके लिए स्पेस ही नहीं बच पाता अलमीरा में, तो उसके लिए हम क्या करें। और ऑल दो अगर स्पेस हम बना भी लें, थोड़ा बहुत अगर बना भी लें, तो अगर हम उसमें उस चीज़ें फिट कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने मेकअप का सामान फिट कर दिया, तो वो क्या होता है, जब मुझे मेकअप करना होता है तो मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे कहाँ है, वैसे कहाँ, तो बहुत ज़्यादा असर होता है। इनफैक्ट जो मैंने पूरा सेटअप किया होता है वो सब ख़राब हो जाता है और फिर से मुझे उसको टाइम निकाल के दोबारा से सेटअप करना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, इन सारी डिफ़िकल्टी से बचने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत यूज़फुल आइडिया कि आप अपने जो भी ऐसे आपके आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके मेकअप से रिलेटेड हुए, आपके ज्वेलरी से रिलेटेड हुए, आपके बैंगल से रिलेटेड हुए, कोई भी आइटम आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, उनको एक सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं, सो दैट जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं आप उस ऑर्गेनाइज़र को अपना ड्रैग करके लेके आइए, यूज़ कीजिए और उसको दोबारा उसी जगह पर वापस रख दीजिए। इससे ट्रस्ट मी गाइस, इससे आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी, इतना आपकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व होने वाली है ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके। तो आज मैं आप लोग के लिए इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड, जिस ऑर्गेनाइज़र की मैं बात कर रही हूँ वो ऑर्गेनाइज़र है ये स्टोमो का ऑर्गेनाइज़र है, मल्टीपर्पज़ मॉडुलर ड्रॉअर्स वाला। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, जो मुझे कॉस्ट हुआ है 1700 का। ठीक है, अगर मैंने इसको एक्चुअली मार्केट में भी ट्राई किया था नॉर्मल जाके कि ये कितने का कॉस्ट करता है, तभी मैंने कंपेयर करके तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मुझे जो बाहर पड़ा था ये 2800 का मुझे बताया था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें सिर्फ 3 ड्रॉअर्स थे और इसमें 5 ड्रॉअर्स हैं। आपको सोचिए, वो 2800 का 3 ड्रॉअर वाला है और ये 5 ड्रॉअर वाला है जो मुझे 1700 का पड़ा है, तो मुझे ऑब्वियसली बेनिफिट हुआ, तो मैंने इसको फटाफट ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसमें क्या क्या इसके किस तरीके से ये असेंबल होता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, इसमें 5 ड्रॉअर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको ड्रॉअर्स मिल जाएंगे अलग अलग, आपको इसको आपको असेंबल करना पड़ेगा। इसमें असेंबल करने के लिए इसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, आपको किस तरीके से बहुत इजीली असेंबल हो जाता है ये मैं आपको इसको असेंबल करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कितना यूज़फुल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी इसको अनबॉक्स नहीं किया है। मैं आपको आपके सामने इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके की है, अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की क्वालिटी है, या ये है अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा काफ़ी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर प्लास्टिक है या कुछ है, काफ़ी हार्ड है। ये सबसे टॉप वाली ट्रे है जो सबसे ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे ड्रॉअर्स दिखा देती हूँ किस तरीके से है, ये कैसे होगा। इसमें 5 ड्रॉअर्स दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये हमारे ड्रॉअर्स हैं और ये काफ़ी डेप्थ, ये इसके पार्ट हैं जो असेंबलिंग में काम आएंगे, लेग्स बन गए आई गेस इसके। इसमें प्लस जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, आप जब भी आप ये वाले ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करते हैं, सबसे बेस्ट जो आपको ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करते वक्त सबसे मेन जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनाइज़र जब भी उसमें व्हील्स वाले ऑर्गेनाइज़र भी लें। व्हील्स वाले ऑर्गेनाइज़र लेना क्यों बेनिफिशियल होता है, वो इसलिए कि आपका ऑर्गेनाइज़र अगर आपने एक रूम में रखा है फॉर एग्जाम्पल, और आप रेडी किसी दूसरे रूम में हो, तो आप इजीली उसको ड्रैग करके एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं, और दोबारा से जब आपका उससे काम ख़त्म हो जाए तो आप ड्रैग करके वापस उसको उस रूम में रख सकते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट, क्योंकि मैं जो चीज़ सर्च करी थी तो ये इसके साथ में इसकी प्रेज है। ठीक है,
ये इसकी ट्रेज हैं। मैं अब आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ कि ऑर्गेनाइज होकर ये कैसा। What we do here is go back, 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 back. देखा आपने कितने इजी तरीके से मैंने इसको असेंबल कर लिया है। मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाया आपको इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, प्लस मैंने इसको आपको असेंबल पूरा कंप्लीट किया करके दिया। बहुत जल्दी असेंबल हो गया, इनफैक्ट मैं मुझे सिर्फ 15 मिनट्स लगे इसको असेंबल करने में, ठीक है। प्लस इसमें आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको इसके बॉक्स के ऊपर दी हुई होगी कि आपको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए इसको असेंबल करना है। बहुत ईजी है, मैंने बिना किसी की हेल्प के अपने आप ही इसको असेंबल कर लिया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितनी डेप्थ है इसमें, ठीक है। आप कोई भी सामान इसमें बहुत ईजीली तरीके से स्टोर कर सकते हैं। प्लस इसमें जो व्हील वाला सिस्टम दिया हुआ है, वो व्हील के थ्रू आप इसको कहीं पर भी ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जब भी आप ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि पहली, आप जब भी ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करते हैं तो मेक श्योर उसमें जितने पार्टीशंस होंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये नहीं है कि आपने 2 पार्टीशन का या 3 पार्टीशन का मंगा लिया और उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। डेप्थ मैटर करती है, लेकिन यू नो सेपरेशन भी मैटर करता है कि जितने चीज़ें यू नो, फॉर एग्जांपल मुझे अब इसमें मुझे अपना मेकअप का सारा सामान रखना,
तो मैं क्या करूँगी, इसमें मेरे सारे आइस से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो होंगी, ठीक है, नीचे मेरी जितने भी मेरे आई शेडोज होंगे, मेरे ब्लशर्स होंगे, जितने भी मेरे मेकअप किट होंगी वो इसमें होगी, नीचे वाले में मेरे जो भी मेरी लिपस्टिक्स होंगी, मेरे लिप ग्लॉस होंगे वो सारे नीचे की तरफ होंगे, एंड प्लस जो नीचे होगा मेरे जितने भी फाउंडेशन होंगे वो सब मैं नीचे की तरफ रखूँगी, ठीक है। तो अगर मैं ज्वेलरी का भी, अगर मैं इसको ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करूँगी, अगर मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ, तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बनाते वक्त इसको यहाँ पे अपने एयरिंग्स करूँगी, यहाँ पे अपने नेकलेसेस करूँगी, नीचे अपने रिंग्स रखूँगी, इसके नीचे फिर मैं अपने अपने जो भी मेरे हेयर एक्सेसरीज हैं उन सब चीज़ों को रखूँगी। और तो इस तरीके से ये इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप जितने पार्टीशन होंगे उतने आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना आप इजीली चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप ऑर्गेनाइजर ऑर्डर करते हैं तो हमेशा डेप्थ का ध्यान जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि कोई वाली बात है, जितना डेप्थ होगा चीज़ें उतनी ज़्यादा ईजिली इसमें आएंगी, ठीक है। प्लस इसमें आपको जो इसमें वेट की दिया हो कि आप कितने वेट तक इसमें कैरी कर सकते हैं, चीज़ों को आई थिंक 4-5 kg तक आप चीज़ें इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो इस पर लिखा है, क्योंकि काफ़ी सॉलिड है आप देखेंगे। ये थी मेरी आज की रिव्यू ऑर्गेनाइजर को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जरूर इस ऑर्गेनाइजर को कंसीडर कीजिए। देखिए मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद आए थे, मल्टी कलर में मुझे चाहिए ही था, मुझे ये इंस्टेंटली दिख गया और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, ठीक है। इसकी इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आप जरूर इस को कंसीडर कीजिए और अपने अलमीरा में जितना भी मैसअप हुआ हुआ है, जितनी भी फैली हुई चीज़ है, इसके थ्रू आप उस मैसअप को क्लीन कर सकते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। आपको दूसरी टिप नहीं दूंगी, आप इसमें जैसे कि मेरे को यहाँ पे मुझे अपना मेकअप आइटम रखना है कुछ, ठीक है, तो मैं मेकअप आइटम से यहाँ पे लिख दूंगी कि मुझे इस वाले बॉक्स में है मेरा, आप मतलब कुछ भी आप नेमिंग करके टैग लगा दीजिए, वो आप टैग आपको इजली हेल्पफुल रहेगा कि आपको इस बॉक्स में ये है, इस बॉक्स में ये है। तो आप जैसे मैं इसमें अपने आई शेडोज रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे एक टैग लगा दूँगी इसमें मेरे आई शेडोज हैं, नीचे अगर मैंने काजल रखे हैं, लिपस्टिक रखे हैं, मैंने लिप ग्लॉस रखे हैं, तो मैं यहाँ पे उसका टैग लगा दूँ, सो दैट के लिए मुझे लिपस्टिक की जरूरत है, मैं फटाफट वो ड्रॉप कर दूँगी, लिपस्टिक मुझे मिल जाएगी। तो फिर आप भी ऐसा यूज कीजिए और अपनी मैसेज को क्लीन कीजिए। फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मैं मेरा कटारिया, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर।